हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवद गीता का सुंदर पाठ हम कर रहे हैं। 11वां अध्याय आरंभ हो चुका है। इसका शीर्षक है भगवान का विराट रूप। तो भगवान के विराट रूप के दर्शन के लिए अब हम 11वां अध्याय कर रहे हैं। वो विराट रूप अर्जुन देख पाते हैं। जब देखेंगे तो क्या होगा, अर्जुन कैसी शक्ति प्राप्त करते हैं, ये ऐसी अर्जुन ने इच्छा प्रकट की है भगवान के आगे कि प्रभु मुझे अपना वो स्वरूप दिखलाइए जिस तरह से आप कण कण में विद्यमान हैं। भगवान ने अभी तक पूरा ज्ञान दिया है अर्जुन को, आत्मा का, शरीर का, और कैसे कैसे भगवान हर चीज में विद्यमान है। इतना सारा ज्ञान लेने के बाद अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मोह दूर हो गया है, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपके उस स्वरूप के दर्शन कर सकूं जैसा स्वरूप आपने बताया है कि कैसे आप इस सृष्टि के हर कण में विद्यमान हैं। आप ही की ऊर्जा से हर वस्तु चलायमान है। अग्नि अगर गर्म है तो वो आपकी उपस्थिति की वजह से है। जल में अगर स्वाद है तो वो आपकी उपस्थिति की वजह से है। इस तरह से अर्जुन इच्छा प्रकट कर रहे हैं भगवान के आगे। तो अब आगे भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाएंगे, उसका वर्णन, उस बातचीत का वर्णन हम करते हैं भगवान की वाणी से। हरे कृष्णा। पहले भगवान की और गुरु महाराज की छोटी सी वंदना करते हैं, आशीर्वाद मिलेगा हमें, तब हम भगवान का ये पाठ आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन और क्या कह रहे हैं भगवान से ये जानते हैं, फिर भगवान क्या उत्तर देंगे उसका फिर वो जानेंगे। हरे कृष्णा। मन्यसे यदि तत्शक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततहमेत्वम् दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हरे कृष्णा। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हरे कृष्णा। अर्जुन ऐसा कह रहे हैं भगवान से कि पहले तो अर्जुन को भी ये पता है कि भगवान का इतना विराट स्वरूप मैं अपनी इन आँखों से, भौतिक आँखों से देख पाऊंगा या नहीं, यह शंका अर्जुन को है। और अर्जुन यही बोल रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, अगर आपको लगता है कि मैं समर्थ हूँ आपके उस रूप को देखने में तो कृपया मुझे वो दिखलाइए। हरे कृष्णा। अब आगे भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशत सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हरे कृष्णा। भगवान अब तैयार हैं अपना विश्व रूप दिखाने के लिए। तो कह रहे हैं तुम मेरे ऐश्वर्य को अब देखो, जैसा जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है अब वैसा वैसा मैं तुम्हें दिखाऊंगा विविध रूपों में, हजारों सैकड़ों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को। अब कोई कोई ये कहता है कि भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है, सिर्फ ज्योति है, वही भगवान होता है, कोई रूप नहीं, कोई फॉर्म नहीं, भगवान तो फॉर्मलेस हैं, किसी प्रकार की कोई आकृति नहीं है, बस प्रकाश ही भगवान है। लेकिन भगवान यहाँ भगवद गीता के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे अब विविध रूपों को देखो, यानी कि भगवान के रूप हैं, सैकड़ों हजारों रूप हैं। जैसे जैसे भगवान ने ऐश्वर्य बताए हैं वैसे वैसे रूप अब भगवान दिखाने वाले हैं। तो अगर कोई कहता है भगवान का आकार नहीं है
तो उन्हें ये श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका रूप है एक नहीं अनेकों रूप हैं, भगवान जो चाहे रूप बना सकते हैं। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतः तथा बहूनि यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्राणि भारत। हरे कृष्णा। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हा हा, हरे कृष्णा। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने तो बहुत सारी शंकाएं इसी श्लोक में दूर कर दी हैं। अब कैसे दूर कर दी हैं? देखिए, हे भारत, लो तुम आदित्यों, कितने आदित्य हैं? 12 आदित्य हैं। कितने वसु हैं? 8 वसु हैं। रुद्र कितने हैं? 11 रुद्र हैं। तो अश्विनी कुमार कितने हैं? 2 अश्विनी कुमार हैं। तो कितने हो गए टोटल मिलाकर? 12 + 8 20, 20 और 11 31 + 2 33। भगवान ने इन 33 लोगों के नाम लिए हैं। तो हम कहते हैं ना, 33 कोटि देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। तो वो कौन से 33 कोटि देवता हैं? ये 33 हैं वो, जिसमें वसु हैं, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार हैं और 12 आदित्य हैं और 11 रुद्र हैं। तो ये 33 प्रकार के हैं, इन्हें हम 33 कोटि बोल देते हैं, 33 करोड़ बोल देते हैं। ये 33 हैं जो भगवान ने स्पष्ट कर दिया इस श्लोक के माध्यम से कि इन 33 लोगों को या इन देवी देवताओं को मैं तुम्हें अब अपने अंदर दिखाऊंगा, मेरा विराट स्वरूप देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले कभी किसी ने ना देखा है ना कभी सुना है। अर्जुन कितने महान भक्त हैं जो भगवान से ऐसा रूप देखने को मिल रहा है। तो भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाने ही वाले हैं, उसका थोड़ा सा पहले एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि 33 करोड़ देवी देवता जिसकी हम बात करते हैं वो 33 प्रकार के होते हैं। तो उन 33 को आप देखो मेरे अंदर। तो हम भी बड़ा इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान कब हमें वो स्वरूप दिखाए। तो समय का अभाव है, आज हम यही 3 श्लोक करेंगे। तो इनको आप बार बार श्रवण कीजिए अब और इसको समझने का प्रयत्न कीजिए कि भगवान और अर्जुन के बीच में क्या वार्तालाप चल रही है और उसका कनेक्शन हमारे जीवन से कैसे है। ऑब्वियसली भगवान ने ये भगवद गीता हम लोगों के लिए ही बोली है, अर्जुन के लिए थोड़ी ना बोली है। अर्जुन तो महान भक्त हैं, अर्जुन के साथ तो भगवान लीला कर रहे हैं, ये भगवद गीता हमारे लिए ही बोली गई है। तो हमारे जीवन से इसका क्या कनेक्शन है इसे समझने का प्रयत्न कीजिए, 3 श्लोकों पर मंथन कीजिए और भगवान के गुण गाइए, भगवान के भजन गाइए, दूसरों को भी भगवान के भजन में लगाइए। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।